हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ब्लेफरोप्लास्टी के बारे में। मैं डॉक्टर शालू पुंज, एस्थेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ एजिंग के जो साइंस हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं फेस पे। ये सबसे पहले स्टार्ट होते हैं आँखों के आसपास। आँखों के आसपास इसलिए क्योंकि आँखों के आसपास की स्किन बाकी फेस के मुकाबले थिन होती है, पतली होती है। अब ये साइंस है क्या? जैसे कि हैवी लुकिंग और टायर्ड लुकिंग आईज बिकॉज ऑफ ड्रूपिंग ऑफ स्किन ऑफ अपर आईलिड। आईलिड की जो अपर आईलिड है उसकी जो स्किन है वो लूज हो जाती है और सैगी हो जाती है। कई बार ये इतनी सैगी हो जाती है कि ये आपके विजन को भी हैम्पर करने लग जाती है। फिर आते हैं लोअर लिड पे। लोअर लिड के नीचे जो बैग्स दिखते हैं वो भी एजिंग के कारण दिख सकते हैं, और लोअर लिड में डार्क सर्कल्स और टीयर ट्रफ की समस्याएं भी दिखने लग जाती हैं। अब मैं बताऊंगी कि ब्लेफरोप्लास्टी प्रोसीजर में हम क्या करते हैं। ब्लेफरोप्लास्टी प्रोसीजर में एक एक आउट पेशेंट प्रोसीजर है। इसमें मरीज़ को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं होती है। मरीज़ आता है, उसकी सर्जरी करके हम उसको आधा घंटे ऑब्जर्वेशन में रख के उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। इसमें ब्लेफरोप्लास्टी प्रोसीजर दो तरीके से होता है। एक दो तरीके से इन सेंस, एक अपर लिड के लिए होता है, लोअर लिड के लिए होता है। जिनको अपर लिड के सिम्टम्स हैं उसमें हम अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी करते हैं। इसमें हम जो कट देते हैं वो आईलिड की क्रीस में देते हैं। तो इस क्रीस में जो इंसिजन देकर जो एक्स्ट्रा स्किन है, फैट है या मसल है उनको रिमूव किया जाता है, और सूचरिंग इस तरीके से की जाती है कि वो हील होने के बाद उसका स्कार विजिबल नहीं होता है क्योंकि वो लिड की क्रीस में छुप जाता है। फिर करते हैं बात हम लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी हम उनमें करते हैं जिनमें अंडर आई बैग्स होते हैं, लोअर लिड की स्किन की लूजनिंग होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दो तरीके से इंसिजन्स देते हैं। या तो हम लिड के बाहर देते हैं या लिड के अंदर देते हैं। इसमें हम इंसिजन इस तरीके से देते हैं कि वो विजिबल नहीं होता है, वो स्कार जो होता है वो सर्जरी के बाद नहीं दिखता है। तो इसमें हम इंसिजन देकर एक्स्ट्रा जो फैट है या स्किन है उसको हम निकाल के उसको क्लोज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी के रिकवरी के बारे में। तो जैसे सर्जरी के बाद 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन के बाद हम पेशेंट को जब डिस्चार्ज करते हैं, हम उन्हें कुछ चीज़ें बताते हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग। जो किसी भी सर्जरी के साथ स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग होती है वही हमारी इस सर्जरी में भी होता है। स्वेलिंग ब्रूजिंग हो सकती है जो कि विद डेज इम्प्रूव करती है एंड विद इन वन वीक इट कम्प्लीटली गेट रिजॉल्व्ड। फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस स्वेलिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि पोस्ट ऑफ फेस में जब आप घर चले जाते हैं डिस्चार्ज होकर, आप अपनी आँखों पर आइस पैक्स लगाएं। घर में कुछ जैसे दो दो घंटे में अपनी आँखों पर आइस पैक लगाएं, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है स्वेलिंग को रिड्यूस होने में। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना जब भी सोएं तो सर के नीचे तकिया लगा के सोएं, यानी कि हेड एंड एलिवेटेड होना चाहिए, उससे भी स्वेलिंग काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। फिर हम पोस्ट ऑप पीरियड में पेशेंट को रिकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक का कोर्स एंड पेन किलर्स लेने के लिए बताते हैं।